हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लीनियर सर्च एल्गोरिथम की। तो देखिए, लीनियर सर्च क्या होता है और वो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसका एक एल्गोरिथम लिखते हैं पहले, और उसके बाद फिर उसको एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद लीनियर सर्च एल्गोरिथम। तो देखिए, लीनियर सर्च एल्गोरिथम में जब आप लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि आपने ये लिखा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे लिखा एल्गोरिथम और यहाँ पे उसका कोई भी आइडेंटिफाइंग नंबर दे दिया। से सपोज कीजिए 4.5। ठीक है, आइडेंटिफाइंग नंबर क्या होता है ये हम आपको जब शुरू की थी डाटा स्ट्रक्चर की वीडियोस उस टाइम हमने आपको एल्गोरिथम के बेसिक्स में ही बता चुके हैं। अब मान लीजिए हमने कहा कि ये एल्गोरिथम 4.5 डाल दिया हमने, यहाँ पे हमने लिखा लीनियर सर्च। ठीक, अब इसमें क्या है, यह हमने लिखा लीनियर, इसमें क्या है, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम है, यह है डाटा, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन, इसमें हमें कोई आइटम सर्च करना है और उसकी लोकेशन बतानी है। ठीक, अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस एल्गोरिथम का, वो हम लिखते हैं कि हियर डाटा इज ए लीनियर एरे विद एन एलिमेंट्स। डाटा क्या है, डाटा जो है एक लीनियर एरे है। यहाँ पे हमने लिखा कि हियर डाटा इज ए लीनियर एरे, इज ए लीनियर एरे विद एन एलिमेंट्स। ठीक है, एंड आइटम इज ए गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, आइटम इज ए गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन लोकेशन LOC ऑफ आइटम इन डेटा और सेट्स LOC इक्वल टू 0 इफ द सर्च इज अनसक्सेसफुल। यानी अगर वो आइटम हमें नहीं मिला तो हम इसको 0 सेट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एल्गोरिथम की पहली स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप हम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि इंसर्ट आइटम एट द एंड ऑफ डेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, इंसर्ट आइटम एट द एंड ऑफ डेटा, एट द एंड ऑफ डेटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सेट डेटा एन प्लस वन, डेटा एन प्लस वन इक्वल टू आइटम, यहाँ पे हमने आइटम डाल दिया। अब सेकेंड हमने क्या किया, इनिशियलाइज काउंटर, तो हमने यहाँ लिखा इनिशियलाइज काउंटर, काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे और सेट LOC इक्वल टू 1। ठीक है, पहले आइटम पे हमने LOC सेट कर दिया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे आइटम को, तो सर्च फॉर आइटम, इसको कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे। हमने यहाँ लिखा रिपीट वाइल डाटा LOC इज नॉट इक्वल टू आइटम, जब तक ये
आइटम के बराबर ना मिल जाए तब तक हम इसको रिपीट करेंगे और एलओसी को बढ़ाते जाएंगे। सेट एलओसी इज इक्वल टू एलओसी प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पे एंड ऑफ लूप कर देंगे, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि अगर सक्सेसफुल है, मतलब कि हमें आइटम जो है मिल गया, तो अगर सक्सेसफुल है तो क्या करेंगे, इफ एलओसी इज इक्वल टू एन प्लस वन, तो एन प्लस वन पे तो हमने आइटम डाला ही था, तो फिर हम लिख देंगे देन सेट एलओसी इक्वल टू 0, ठीक है, और एग्जिट कर जाएंगे। इस तरह से हम लीनियर सर्च करेंगे आइटम की किसी भी लीनियर एरे में डाटा में, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अब इसी इस एल्गोरिथम को आप एक एग्जांपल लेके समझिए। मान लीजिए हमने कहा कि कोई हमारे पास से, हमने कहा यहाँ पे एग्जांपल, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक नेम के नाम से कोई एरे है, ठीक है। ये एरे है हमारे पास, इसका नाम है नेम, और इसमें क्या है, 6 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट ऑलरेडी हैं स्टोर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो 6 एलिमेंट स्टोर है उसमें मान लीजिए कोई आप रैंडमली कोई नाम डाल दीजिए, मान लीजिए आपने डाल दिया मेरी, फिर आपने डाल दिया जेन, फिर आपने डाल दिया डाइनी, फिर आपने डाल दिया सुसैन, फिर आपने कहा करीन, फिर एडिट, ठीक है। ये आपके पास कोई एरे है नेम के नाम से। सपोज वी वॉन्ट टू नो वेदर पाउला अपियर्स इन द एरे एंड इफ सो वेयर आवर एल्गोरिथम टेम्पररली प्लेसेस पाउला एट द एंड ऑफ द एरे। तो अब मान लीजिए हमें पाउला को सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमारी एल्गोरिथम यहाँ पे, ठीक है, पाउला को टेम्पररली स्टोर कर देगा इस तरह, ये पाउला, ठीक है। अब क्या होगा, और यानी कि नेम 7 बराबर हो जाएगा, यानी कि नेम 7, नेम 7 में क्या स्टोर हो जाएगा, पाउला, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि सिंस सॉरी उसके बाद क्या होगा कि देन द एल्गोरिथम सर्चेज द एरे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम एल्गोरिथम सर्च करेगा, सिंस पाउला फर्स्ट अपियर्स इन नेम एन प्लस वन। इसका यानी कि जब टॉप से बॉटम ही सर्च करता जाएगा और सबसे पहले उसको पाउला कहाँ मिलेगा, यहाँ पे एन प्लस वन पे, ठीक है, यानी 7th पोजीशन पे, क्योंकि एन क्या है, एन यहाँ पे 6 है। तो क्या होगा कि इसका मतलब कि पाउला जो है, इसका मतलब पाउला इज नॉट इन द ओरिजिनल एरे, इन द ओरिजिनल एरे, ठीक, ये हो गया। ये तो है क्या, हमने आपको एक पार्ट बताया। अब मान लीजिए सेकेंडली हम लेते हैं कि सपोज वी वॉन्ट टू नो वेदर सुसान अपियर्स इन द एरे एंड इफ सो वेयर आवर एल्गोरिथम टेम्पररी प्लेसेस सुसान एट द एंड ऑफ द एरे। अब हमने क्या किया, दूसरा नाम लिया हमने सुसान, ठीक है। इसको हमें चेक करना है कि ये है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि फिर से एरे में मान लीजिए हम से ऐसे जैसे ऊपर सारे नाम थे वैसे आप यहाँ पे आपने लिखा नेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, जैसे नाम थे यहाँ पे वो आप लिख दिए, मेरी, फिर जेन, फिर आपने कहा डाइनी, फिर आपने कहा यहाँ पे सुसैन, फिर आपने कहा कैरन, फिर एडिट,
ये ओरिजिनल नाम थे। अब जो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो सुशान अगर हमें सर्च करना है तो यहाँ पे मान लीजिए सुशान डाल दिया हमने, ये नेम सेविन जो है क्या हो गया, नेम सेविन हो गया सुशान, ये एल्गोरिथम इसको यहाँ पे लास्ट में डाल देगा। फिर क्या होगा, देन एल्गोरिथम सर्चेज द एरे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फिर यहाँ से टॉप से बॉटम तक सर्च शुरू होगा। और टॉप से बॉटम सर्च शुरू होने में पहली बार सुशान कहाँ अपियर होगा, यहाँ पे, ठीक। और जब पहली बार यहाँ पे अपियर होगा मतलब नेम फोर में उसको, नेम फोर में उसको सुशान मिलेगा। और चूंकि फोर इज लेस देन इक्वल टू एन है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि सुशान इज इन द ओरिजिनल एरे। तो इस तरह से लीनियर सर्च एल्गोरिथम, क्वारी एल्गोरिथम जो है इस तरह से काम करेगी, क्लियर। अब इसके बाद बात आती है कि इसकी अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी का क्या सीन है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च एल्गोरिथम। इसकी जब कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे तो क्या होगा कि द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर सर्च एल्गोरिथम इज मेजर्ड बाई द नंबर एफ एन ऑफ कंपेरिजन रिक्वायर्ड टू फाइंड आइटम इन डाटा वेयर डाटा कंटेन्स एन एलिमेंट्स। तो अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट केस, भाई जो कॉम्प्लेक्सिटी है एफ एन वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ कंपेरिजन पे, नंबर ऑफ कंपेरिजन पे, और नंबर ऑफ कंपेरिजन किस पे डिपेंड करेगा, डाटा आइटम्स पे। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, एक एवरेज केस है और एक वर्स्ट केस है। तो दोनों की एनालिसिस हम करते हैं। तो पहला हमने कहा कि इन केस ऑफ वर्स्ट केस एनालिसिस में क्या होगा कि व्हेन वन मस्ट सर्च थ्रू द एंटायर अरे डेटा, दैट इज व्हेन आइटम डज नॉट अपियर इन डेटा। तो वर्स्ट केस क्या होगा कि जो आइटम हम ढूंढ रहे हैं वो डेटा के अंदर है, आइटम डज नॉट अपियर इन डेटा, जिसमें हम ढूंढ रहे हैं उसमें ये आइटम है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि एफ एन इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस वन, ठीक। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वर्स्ट केस में जो रनिंग टाइम है, रनिंग टाइम इन वर्स्ट केस इज प्रोपोर्शनल टू एन हो गया, ठीक है। अब एवरेज केस में जब हम बात करेंगे, नाउ वी कम टू द एवरेज केस एनालिसिस। एवरेज केस एनालिसिस में क्या होगा कि द रनिंग टाइम ऑफ द एवरेज केस यूजेस द प्रोबेबिलिस्टिक नोशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो रनिंग टाइम है वो यूज करेगा प्रोबेबिलिस्टिक नोशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब कि लेट, हमने मान लीजिए हमने कहा कि लेट पी के इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइटम अपियर्स इन डाटा के, पी के इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइटम अपियर्स इन डाटा के, डाटा के में जो है हमारा आइटम है, और तो ये हमने पी के मान लिया। और हमने कहा एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइटम डज नॉट अपियर इन डाटा, क्यू इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइटम डज नॉट अपियर इन डेटा, ठीक है। उसके ना होने की प्रॉबिलिटी हो गई क्यू, और डाटा के में होने की प्रॉबिलिटी हो गई पी के। तो क्या होगा कि देन पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी एन, ये हो गया, और प्लस क्यू, ये टोटल कितना हो जाएगा, वन। सिंस द एल्गोरिथम यूजेस के कंपेरिजन व्हेन आइटम अपियर्स इन डाटा के, द एवरेज नंबर ऑफ कंपेरिजन इज गिवेन बाई, तो एफ एन इक्वल टू हो जाएगा आपका वन प्लस टू प्लस थ्री। अच्छा, इसके साथ प्रोबेबिलिटी भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज नंबर ऑफ जो कंपेरिजन आएगा वन इंटू पी वन आएगा,
प्लस टू इंटू पी टू आएगा, प्लस थ्री इंटू पी थ्री आएगा, ऐसे ही आप करते जाएंगे तो लास्ट आइटम एन इंटू पी एन आएगा, और प्लस एन प्लस वन जो आइटम होगा इसका मतलब क्यू, यानी उसके साथ आइटम डज नॉट अपियर हो जाएगा। अब इन पर्टिकुलर केस में हम बात करें कि इन पर्टिकुलर क्या होता है कि सपोज क्यू इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड आइटम अपीयर्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी इन ईच एलिमेंट ऑफ डाटा, एंड आइटम अपीयर्स विद इक्वल प्रॉबिबिलिटी इन विद इक्वल प्रॉबिलिटी इन ईच एलिमेंट ऑफ डेटा, ठीक है, तो क्या होगा? तो फिर ये होगा कि क्यू को हमने मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो मान लिया, एंड ईच पी आई को हमने मान लिया वन अपॉन एन। तो फिर अकॉर्डिंगली एफ एन की जो वैल्यू आ जाएगी, एफ एन इज इक्वल टू आ जाएगा वन इंटू वन बाई एन प्लस टू इंटू वन बाई एन प्लस थ्री इंटू वन बाई एन, ऐसे ही करते करते ये आएगा आपका एन इंटू वन बाई एन, और प्लस एन प्लस वन इंटू क्यू की वैल्यू क्या ले ली हमने, जीरो। तो ये हो गया जीरो, ठीक है। तो यानी इसको जब आप वन बाई एन कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन इंटू वन बाई एन। तो एक तरह से ये आ गया आपका एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू वन अपॉन एन, सीधा सीधा आ गया एन प्लस वन बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिस स्पेशल केस द एवरेज नंबर ऑफ कंपेरिजन रिक्वायर्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ आइटम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। यानी कि इसमें यह आ गया कि ये जो आपका एफ एन है, द एवरेज नंबर ऑफ कंपेरिजन रिक्वायर्ड, द एवरेज नंबर ऑफ कंपेरिजन्स रिक्वायर्ड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो इस पर्टिकुलर केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये आ जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि लीनियर सर्च एल्गोरिथम को कैसे आप डेवलप करते हैं, कैसे वो सर्च करता है पर्टिकुलर आइटम को, पर्टिकुलर आइटम नहीं मिलता है तो डज नॉट अपियर के केस होता है तो वो उसको जीरो पे, एलओसी पे जीरो डाल देता है। और अगर इसमें फिर हमने कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज की दो केसेस में, वर्स्ट केस में जबकि वो आइटम उसके अंदर अपियर नहीं है तब आप देखते हैं रनिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एन आता है, और अगर उसके अंदर अपियर होता है तो इसमें पर्टिकुलर केस को जिसमें हमने क्यू इक्वल टू जीरो और पी आई इक्वल टू वन अपॉन एन लिया है, तो हम ये देखते हैं कि जो एवरेज नंबर ऑफ कंपेरिजन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।